अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक सतरंगी फिर चैनल सरगोदा, और फिर सईद मुबारक। और ये है हमारी आज की रूटीन। तो चलें जी, आज फिर फरमाइश है मटन पुलाव की बच्चों के, क्योंकि उनकी फरमाइश थी कि हमें सालन नहीं बना के दिया जाए गोश्त का, क्योंकि सालन पर इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। तो मैंने गोश्त देखें धो के बहुत ही साफ़ सुथरा करके इसको रख लिया है। जितना भी कुर्बानी का गोश्त होता है मैं उसको हल्का हल्का नमक लगा के कुछ देर रखती हूँ, ताकि उसके अंदर जो स्मेल होती है, एक हम जो फील कर रहे होते हैं कुर्बानी के गोश्त की, और वो सारी ख़त्म हो जाती है। और फिर मैं इसको बहुत अच्छा सा वॉश करके फिर मैं रखती हूँ, उसे सेव करती हूँ। तो उसके साथ देखें, मैंने मोटे मोटे से ये रख ली, काट ली हैं टुकड़े अदरक के, और साथ में है लहसुन। और इसके साथ मैं इसको बाद में बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करूँगी। और ये है मेरी प्लेट जिसके अंदर सूखा धनिया है साबुत वाला, जीरा है, और सिनेमन के टुकड़े हैं, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़े वाली इलायची है, और जी साथ में ये काली मिर्च है। और इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और डालूँगी थोड़ा सा पानी। इसका मुझे स्टॉक बनाना है, यखनी बनानी है। तो चलें जी, इसको मैं बंद करूँगी। अब है बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब एक साइड पर मैंने मसाला रखा है चावलों का, और बहुत ही स्पाइसी पुलाव बनाएंगे आज। क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्ची जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये देखिए जी व्यूअर्स, मैंने अब पानी के अंदर चावल डाल दिए हैं, और अब मैं इसको लगाऊंगी दम पे, और साथ में बना लूँगी दही का रायता। और कुर्बानी का जो गोश्त है ये हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, इसलिए वक्फे वक्फे से, ताकि अगले वाला हज़म हो जाए, और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत है, इसलिए कुछ दोपहर में कुछ शाम में इस तरह डिवाइड करके एक ही बार बहुत ज़्यादा मत खाइए। तो चलें मैं इसको दम लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ जी। चावल को मैंने दम दे दिया था, और ये मैंने दही ले लिया है, इसके साथ ये मैं रायता बनाऊँगी। खीरा लिया है, प्याज लिया है, ये थोड़ी सी मैंने फुलकियाँ ली हैं, टमाटर हैं, थोड़ा सा पुदीना है। तो चलें जी मैं इनको डाल देती हूँ। अब मैं डालूँगी इसके ऊपर पिसा हुआ ज़ीरा, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और जी थोड़ी सी काली मिर्च, और ये रहा नमक। तो चलें जी, अब मिक्स कर दूंगी मैं इसको, और बहुत ही मज़े का ये रायता बनता है। अक्सर मैं चावलों के साथ ये बनाया करती हूँ, जिसमें सब कुछ आ जाता है, भल्ले टाइप भी बन जाता है, और हमारा सैलेड भी अंदर आ जाता है, टमाटर, प्याज और खीरा। ये देखें बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो अब हम देख लेते हैं चावलों को। माशाल्लाह से ये देखें चावल ज़बरदस्त हो गए हैं। मैंने बिल्कुल एंड पर इनके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर जो है बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ही छिड़का दिया था, और अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। तो चलें जी, ये है इसकी फाइनल लुक, और हम अब इसको बैठ के खाएंगे। और अगली रात की रेसिपी जो हम क्या बनाएंगे वो मैं आपके साथ रात को शेयर करूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।